जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस 4th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमटीपी के बारे में। एमटीपी क्या होता है? बोले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसी को इलीगल फॉर्म में क्या बोला जाता है, एबॉर्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, क्योंकि पहले जो एबॉर्शन होते थे उस एबॉर्शन को गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज करने के पीछे कुछ उद्देश्य था। उद्देश्य यह था कि अगर वर्ल्ड वॉर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा एमटीपी होने लगी थी, लगभग 45 से लेकर के 50 मिलियंस के आसपास एक साल में इतनी सारी एमटीपी होती, तो भारत में भी इसका यूज होता एमटीपी का, दैट मीन्स एबॉर्शन का यूज होता है। एमटीपी तो मत बोलिए आप, एबॉर्शन बोल दीजिए। तो इसमें फीमेल फोर्टिसाइड को ज्यादा फोकस किया जाता था, फीमेल फोर्टिसाइड को ज्यादा यूज किया जाता था। मतलब जहां भी फीमेल है, फीमेल अगर पता चल जाता कि गर्भ के अंदर फीमेल पल रहा है या फिर फीटस जो है डेवलप कर रहा है वो फीमेल चाइल्ड है, तो उसको जल्दी एबॉर्शन करवा देते थे, जानबूझ करके एबॉर्शन करवा देते थे। इन सब चीजों को चेक करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको लीगलाइज कर दिया। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट एमटीपी क्या होता है। जब इंटेंशनली क्या हो, इंटेंशनली या फिर वॉलंटरी हो, वॉलंटरी बोले तो जब हम चाह करके भी या हमें मजबूरी में वो करवा रहे हो, क्योंकि वो हमें डॉक्टर के द्वारा या फिर जो भी एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, जो जेनेटिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं, खासतौर पर मेरे तो डॉक्टर ही है, तो वो अगर हम ये बोलते हैं कि जो फीटस डेवलप कर रहा है वो इम्प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रहा है या सही से डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, ये हो सकता है उसमें कोई अपंगता हो, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अलाउ कर सकती है कि आप इसका एमटीपी करवा लीजिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमें क्या बोलता है, इट इज द डिफाइन एज इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म का मतलब ये होता है कि जो 9 मंथ में बेबी का जो डिलीवरी होनी चाहिए या फिर उसका पर्चुरेशन होना चाहिए, वो 9 मंथ तक वेट ना करके उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस मंथ के बीच में क्या करवा दिया जाए, उसका एबॉर्शन या फिर उसको डिलीवरी करवा दिया जाए। तो ये बोलते हैं कि फुल टर्म के पहले ही उसका बाहर निकलवा देना, दैट मीन्स डिलीवरी करवा देना, एबॉर्शन या फिर एमटीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको मेडिकल देखरेख में किया जाता है या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी देखरेख में किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी वाज लीगलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। कब बेटा, 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड मिसयूज। इसका मिसयूज ना कोई कर सके, इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लाई गई हैं। अभी भी अगर इसका कोई मिसयूज करते हुए पाया जाता, मिसयूज कैसे करेगा, बोले अनचाहे करके, बिना कोई उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, फिर भी किसी को प्रेगनेंसी हो गई है, अब अचानक से उसका मन किया कि नहीं यार इसको हटा देते हैं, है ना, हमें नहीं चाहिए बच्चा, तो अब तुम अचानक से बीच में अगर चाहोगे फिर तुम एबॉर्शन करवाओगे, तो वो एक प्रकार से इलीगल है। या फिर ऐसा हो जाए कि हो सकता है आपको किसी ने भ्रमरा दिया हो या भ्रम में डाल दिया हो कि ये जो आपके अंदर फीटस डेवलप कर रहा है ये फीमेल बच्चा डेवलप कर रहा है, तो आपको अब फीमेल नहीं चाहिए, दूसरा बच्चा फीमेल नहीं चाहिए, तीसरा बच्चा फीमेल नहीं चाहिए, तो आप उसको जबरदस्ती क्या कर दें, उसका एबॉर्शन करवा दें, ये भी उसी में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से और हम आगे बात करेंगे, एमटीपी इज डन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कौन कौन सी सिचुएशंस में हम एमटीपी कर सकते हैं, ऊपर के पॉइंट आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट है फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस, क्वाइटस के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या उसके पहले भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अप्लाई किया है और वो मेथड्स फेल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए वो मेथड्स फेल हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी करवाई जा सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी फीमेल ने पिल्स खाई है बट वो पिल्स उसकी बॉडी के अंदर सही से कार्य नहीं करी और ओवुलेशन हो गया। ठीक है, या फिर उसने जैसे कपर्टी है, मल्टीलोड 377 जिसके एग्जांपल वगैरह है, है ना, और इसी प्रकार से जो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज हैं जिसको लिपेस लूप बोलते हैं, हमने लास्ट वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, उसके पहले वाली क्लास में इनके सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीज हैं या फिर वेजियर मेथड्स हैं, अपने का किसी का इस्तेमाल किया, जैसे मान लीजिए कंडोम का इस्तेमाल किया, बाय चांस कंडोम्स फट गया, तो उस समय बाय चांस आपको पता नहीं चला कंडोम्स का फट गया और आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कर दी, क्वाइटस कर दिया और उसमें इंसेमिनेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होना आम बात है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर इस तरीके से कभी फेलर होने, कंट्रासेप्टिव फेलर होने की वजह से अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो भी उसको एमटीपी करवाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है,
किसी फीमेल के साथ रेप हो जाए, तो अब किसी फीमेल के साथ अगर रेप हुआ है तो वो जानबूझ के तो करवाई उसके साथ हुआ नहीं रेप, है ना, जबरदस्ती रेप हुआ तभी तो उसका नाम पड़ा रेप। तो उस कंडीशन में भी कोई जो भी रेप करने गया है, रेपिस्ट जो है, वो इतनी सेफ्टी कैसे लेके जाएगा, कैसे इंश्योर करेगा कि सामने वाले को प्रेगनेंसी ना हो। वो तो चाह रहा ना, वो तो रेप करने ही गया है। तो उस कंडीशन में भी उस फीमेल के साथ अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती तो भी एमटीपी करवाया जा सकता है। और ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, बस वही है, रेप करो या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करो, है ना, तो भी उसमें एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फुल कंटिन्यूस प्रेगनेंसी इज हार्मफुल। पहली बात है कि हार्मफुल हो जाए, ठीक है, चाहे वो बच्चे के लिए हो या फिर माँ के लिए हो, हार्मफुल हो या कई बार वो जानलेवा भी हो सकती है, फेटल, फेटल का मतलब होता है जानलेवा, टू आइदर मदर और फीटस, या तो मम्मी को हो जाए या तो फिर पापा जो फीटस है उस फीटस को हो जाए, या फिर दोनों को हो जाए, किसको हो जाए, माँ को भी हो जाए और फिर जो बेबी डेवलप कर रहा है उस बेबी को भी ये फेटल हो जाए या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाए, तब भी इसका एमटीपी करवाया जा सकता है, दैट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म की जा सकती है। आशा करता हूँ आपको ये कारण समझ में आए होंगे। इसका एक एडवांटेज भी है, एडवांटेज ये है कि जो ओवर पॉपुलेशन ग्रो करती है तो पॉपुलेशन को चेक करने का भी इसका यूज किया जा सकता है, जो माना जा सकता है कि हाँ ये पॉपुलेशन को चेक करने में काफी मददगार या हेल्पफुल साबित होती है। बट इसका पॉपुलेशन को रोकने के लिए इसका यूज करना है जी हथियार की तरह, है ना, ये बहुत खतरनाक है, इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरे तरीके अपना, ऐसा नहीं कि उसका एमटीपी करवा के रोका जा सके, बट फिर भी ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करने में ये थोड़ा हेल्पफुल होती तो है ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको सब समझ में आए होंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फिर से नए वीडियो बनाएंगे। तो इट इज सेफर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कब होती बेटा, पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, दैट मीन्स एक सप्ताह में चार वीक होते हैं, तो तीन महीने में कितने वीक होगा, चार वीक हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, इसको परफॉर्म करवाना काफी आसान है, अच्छा है, ठीक है। अबाउट 45 to 50 मिलियंस, कितना बेटा, 45 से 50 मिलियंस के आसपास जो एमटीपी है पर ईयर्स वर्ल्ड वाइड इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एमटीपी आर डन इन द ऑल सॉरी इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच आर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन द ईयर, ठीक है, कितने हैं वो 1/5, 5 का एक पार्ट है, बोलो 1/5 भाग है, ये बहुत ज्यादा क्या है एमटीपी होती है। और इस अनुसार से मैंने अभी जो बोला कि एमटीपी के एक एडवांटेज ये है कि वो पॉपुलेशन को चेक करने का काम करती है, इस आधार पे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब जो 5th बच्चा होता है, 5 में से एक बच्चा जो होता है वो एमटीपी में चला जाता है, तो बच्चे कितने, 4 बच्चे बचे। अब सोचो इस तरीके से लगभग 45 से लेकर के 50 मिलियंस, समझ रहे, 1 मिलियन में 10 लाख, तो इसके अनुसार आप जोड़ लीजिए, इतने मिलियंस जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं या फिर जो बोल सकते हैं कि जो बेबी हैं वो एमटीपी को लीड कर जाती है, एमटीपी हो जाती है उनकी, दैट मीन्स इतनी पॉपुलेशन एक साल में कम हुई, ठीक है, ये बढ़ने से बचाया जा सका। तो इसलिए बोलते हैं कि इसका एक एडवांटेज भी है, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसका एज ए एडवांटेज अगर है तो एज ए वेपन की तरह इसके इस्तेमाल करना या एज हथियार की तरह यूज करना या फिर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड्स की तरह यूज करना कि नहीं, अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो चलो ठीक है बाद में हटा देंगे प्रेगनेंसी को, तो इस तरीके से इसका यूज करना ये एक प्रकार का भी मिस यूज है, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये एमटीपी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।